इस तरह से इस लेक्चर के कि हमेशा रिमेंबर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 होगा। ये बहुत अच्छे से आप सभी को, बहुत ज्यादा अच्छे से मैं बता रहा हूं, आप सभी को पता है। दूसरी बात, मैंने बताया कि मान लो कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन जो है ये आपका जीरो कार्बन और ये आपका अल्फा कार्बन, मान लो इस पे तीन हाइड्रोजन है तो इन हाइड्रोजनों को मैंने नाम दिया, बोलो इनको मैंने नाम दिया अल्फा हाइड्रोजन। ये बात तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत बहुत सही तरीके से पढ़ी थी। आज कुछ अलग चीज पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भाई सुनना मजा आ जाएगा आपको। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ना इससे पहले आपने ये चीज पढ़ी होगी और ना इसके बाद कभी पढ़ोगे, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि कौन सा अल्कीन स्टेबल है और कौन सा नहीं। सुनना अब, सुनना अच्छे से, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले तो ये बात सुनना, अगर कोई कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, कॉन्जुगेटेड भाई, कॉन्जुगेटेड का मतलब भी समझाऊंगा मैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है बच्चों अल्टरनेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल बॉन्ड। अगर इस तरह का सिस्टम होना बच्चों, डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे चीज को बोला जाता है कॉन्जुगेटेड। क्या बच्चों क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस, ये देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस है। जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पे डेफिनेटली कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेटेड अल्किन का मतलब होता है बच्चों अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। क्लियर है सबको? मैसेज करो कॉन्जुगेटेड अल्किन सबको क्लियर है? अगर कहीं पे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे तो उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड अल्किन। तो क्या ये वाले अल्किन कॉन्जुगेटेड है? यहां पे देखो, क्या ये वाले अल्किन कॉन्जुगेटेड है? बोलो ये आपके अल्किन कॉन्जुगेटेड है? बोलो बच्चों यस और नो। आप बोलोगे सर डबल सिंगल सिंगल डबल, सो इट इज अ नॉट नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन। और याद रखना कभी भी कॉन्जुगेटेड अल्किन आपकी, सुनना अच्छे से ध्यान से सुनना, कॉन्जुगेटेड अल्किन आपकी ज्यादा स्टेबल होगी नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन से। सबसे फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास कोई कॉन्जुगेटेड अल्किन है और कोई नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन है, और आपसे कोई कोई बंदा या कोई बंदी आके पूछ ले कौन सा स्टेबल है, तो आप बताना कि कॉन्जुगेटेड अल्किन। क्राउड ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है 5 मिनट बाद कम हो जाएगा। सुनना, आपसे अगर कोई पूछे कॉन्जुगेटेड अल्किन है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन से, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा, डबल और ये, सुनना मजा आ जाएगा आपको। एक मिनट हाँ बच्चों, कौन स्टेबल बोलो? ए और बी में से, ए और बी में से कौन स्टेबल है? बोलो बोलो जल्दी कौन सा। तो आपका क्लियर आंसर होना चाहिए सर बी अल्किन आपका मोर स्टेबल है। रीजन एक ही है सर, इसमें कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, इसमें सिंगल इसमें वैसा कुछ नहीं है, तो ये कॉन्जुगेटेड है और ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। आप देखते देखते ऑर्गेनिक को अच्छे से समझने लगोगे, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, दूसरी पॉसिबिलिटी ध्यान देना, दूसरी पॉसिबिलिटी, मान लो दोनों भी कॉन्जुगेटेड है, बोलो अब थोड़ा सोच के बता। मान लो दोनों भी कॉन्जुगेटेड है, मैंने बताया जब कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड है तो आप सभी के सभी एक ही जवाब देना कि सर जो कॉन्जुगेटेड है वो ज्यादा स्टेबल होगा नॉन कॉन्जुगेटेड अल्किन से। अब यहां पे बताओ कौन स्टेबल, दोनों में भी दोनों ही अल्किन है बच्चों, बच्चों दोनों ही अल्किन है, कॉन्जुगेटेड है दोनों भी। अब सवाल उठता है सर ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें, तो इसीलिए तो पढ़ाया था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बोलो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा रहे, जल्दी बताओ सबके सब। पहले केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, बोलो इसमें जीरो है, और इसमें कितने बोलो सर, sp2 के नेक्स्ट वाला sp3 सॉरी sp2 के नेक्स्ट वाला अल्फा, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर है? बोलो
क्या सभी को बात क्लियर है? मैसेज करो। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों, यहाँ पे तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए देखो मैं अभी क्लियर कर दो आपसे। चलो अब मैं आपको ना ऐसे पढ़ाता हूँ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू कॉन्जुगेशन मतलब प्रणव, देख मैं एकदम अच्छे से थोड़ा बता दो आपको कॉन्जुगेशन का एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है ना। देखो देखो ये सी एच है, ये सी एच टू डबल बॉन्ड, ये लेट क्यों ज्वाइन होते मुझे समझ में नहीं आता, मैं 10 मिनट पहले आ जाता हूँ, एग्जैक्ट टाइम पे आता हूँ, ये बच्चे लेट क्यों ज्वाइन होते? देखो यार एक बात समझ लो, आप अपनी आदतें सुधारो, जो भी लेट ज्वाइन होता है ना आप 2 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिंक भेजने के 5 मिनट तक तो मैं रुकता हूँ ना, जल्दी से ज्वाइन करा करो यार, मजा नहीं आता फिर, क्या बताओ अभी मैं। देखो ये हर कार्बन के पास आपको पता है सर sp2 है तो empty ऑर्बिटल होगी, आप सभी को पता है, एग्री हो या नहीं बताओ सबके सब। हर कार्बन के पास empty ऑर्बिटल होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बच्चों ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है रेजोनेंस के थ्रू, देखो सुनना अच्छे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना रेजोनेंस के थ्रू ऐसे घूमते इन ऑर्बिटलों में, देखो दिख रहे सबको, इसे बोला जाता है कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना। कॉन्जुगेशन का सिंपल मतलब ऐसे भी आप ले सकते हो सर, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव, या बहुत अच्छे से बताओ तो बच्चों इलेक्ट्रॉन घूमते अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में घूम सकते हैं, ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन, दे आर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी जगह से चेंज होके दूसरी जगह पे जा सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, इसे हम डिलोकलाइजेशन बोल सकते हैं, या थोड़ा अच्छे से बोलूं तो दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। समझ में आया अभी? बोलो क्लियर है? ये रेजोनेंस है, एक मिनट, किसका क्वेश्चन है रेजोनेंस का बोलो आशीष। हाँ सुमित देखो, हाँ देखो पहली बात तो रेजोनेंस और ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, ठीक है ना। तो अभी ये जो लेक्चर है ना मैं बता रहा हूँ, ये लेक्चर आपको ऑनेस्टली बताओ तो ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाने वाला है, लेकिन फिर भी ज्यादा तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा। आप ट्राई करो, कोशिश करो समझने की, जो भी रेजोनेंस के या इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, ओके ओके, सब लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर है, ओके सबको। अब एक चीज समझ में आई, अब देखो यहाँ पे देखो ये वाली चीज, देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अब आपसे पूछा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक ही डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, चलो एक सिंगल इससे ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझने में, सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। अब दोनों में से मुझे बताओ दोनों कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है, बताओ दोनों के दोनों क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड, हाँ या ना बच्चों। देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल डबल है, सिंगल डबल ऐसा नहीं है कि सिंगल डबल ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन उठता है सर दोनों में से स्टेबल कौन है, तो आप देखो देखो एक मिनट म्यूट कर लो, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपका जीरो कार्बन है और ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, जीरो कार्बन जीरो, ये आपका अल्फा कार्बन, तो इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने है? तो आप बोलोगे सर थ्री अल्फा हाइड्रोजन, ऊपर वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, छह अल्फा हाइड्रोजन। अरे सर जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतना आपका अल्किन ज्यादा स्टेबल होगा, बात क्लियर है? मैसेज करो सबके सब, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया, बोलो ये वाले बात समझ में आई, मैं एग्जाम्पल को बदल लेता हूँ। हाँ सबके सब अच्छे से लेक्चर को सुनते जाना, हाँ वरना बाद में पछताओगे, वो भी बड़ा पछताओगे, छोटा मोटा नहीं बड़ा पछताओगे। सबसे पहले तो अब क्वेश्चन उठता है सर, मेरे को हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, अलग अलग एग्जाम्पल है तो आपको हर एक एग्जाम्पल देख के कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो बताओ दोनों में से कौन स्टेबल है, दोनों में से तो कौन स्टेबल है, हाँ कैसे स्टेबल है सर, ये कॉन्जुगेटेड है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपको देखना है कि कॉन्जुगेटेड है और ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो सबसे पहले तो बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो सोचते नहीं, वो सीधे अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितने बोलो, वन
टू, यहां पर भी कितने बच्चों, वन टू, तो चार अल्फा हाइड्रोजन इधर पे भी है और इधर पे भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, वन टू थ्री फोर, तो इधर पे भी चार अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि सर चार अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करें। मैंने कब कहा सीधे अल्फा हाइड्रोजन पे जाओ, मैंने तो यही कहा ना आपसे हमेशा, पहले देखो नॉन कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड, अगर दोनों भी कॉन्जुगेटेड है तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, दोनों भी नॉन कॉन्जुगेटेड है तो बाद में अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब तुम मुझे बताना क्या आंसर आएगा। देखो अब बताओ, बताओ दोनों में से कौन स्टेबल है, सबसे पहले तो इन दोनों में से बताओ सर दो। हाँ देखो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, एक दो, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे तीन चार, इसके पास सर चार अल्फा हाइड्रोजन है। ओके सर, समझ में आ रहा है अभी। और जो नेक्स्ट वाला है ना, आप खुद बताना मुझे कितने इसके पास, इसके पास कितने बच्चों, वन और टू, पांच कैसे यार, पांच कैसे, sp2 कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गया ना। देखो दिखा रहा हूं ना, इसका मतलब आप समझा करो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गया ना, ठीक है ना। तो इसके पास कितने बच्चों, इसके पास बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। और हाँ यही बातें अब मैं बॉन्ड लाइन में नहीं लिख रहा, अब मैं सीधे कार्बन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब सीधे कार्बन से दिखाऊंगा जानबूझ के, कार्बन से दिखाऊंगा। चलो CH डबल बॉन्ड, अब पता है ना गलती क्या हो रही है आपसे, इसलिए मैंने कार्बन ले लिया CH3। देखो हाँ बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH3, इसको हटा दूं इसको CH3, इसको भी हटा दूं, यहाँ पे लिख दूं CH3 और H। बोलो दोनों में से कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल है, सब बताओ मैसेज करके बच्चों, दोनों में से कौन सा स्टेबल है। तो सर जीरो कार्बन, ए और बी में से बताओ, चलो बताओ सबके सब अपना अपना आंसर बताओ, ए और बी में से बच्चों कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल है, बोलो। क्योंकि सर बी वाले में ना, सर देखो जीरो कार्बन बहुत अच्छे, सर तीन छ नौ, सर नौ अल्फा हाइड्रोजन है, सर इधर कितने हैं तो बहुत कम है, इधर छ छ अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रीजन होता है अल्किन की स्टेबिलिटी का। अब मैं आपने कभी ये पूछा नहीं कि सर एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि सर नौ अल्फा हाइड्रोजन से ये ज्यादा स्टेबल है, वहां पे हाइड्रोजन का क्या रोल है, उसके लिए आप रुको थोड़ा सा, समझ में आए ना, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा, आपको सब समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना ही काफी आपके लिए कि कौन अनस्टेबल कौन स्टेबल। आइए पढ़ते ये वाला एग्जांपल भाई, अब आप समझदार हो मैं क्या बताना चाहता हूं। CH3 CH3 CH2, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, किसने जीती बाजी, ABC में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ABC में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बताओ। मैं इसको अच्छे से लिख दू यार, आप ना लिख दू यार, लिख हाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर CH3 CH3 CH2 CH3 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 CH3, बोलो यार सबसे ज्यादा स्टेबल। तो आप बोलोगे सर सी में भर भर के अल्फा हाइड्रोजन है, सर 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बी और ए में बताओ, ए और बी में बताओ किसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ए के पास कितने बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कितने बोलो, दो अल्फा हाइड्रोजन है, ए के पास बच्चों दो अल्फा हाइड्रोजन है और बी के पास बच्चों तीन और तीन छह अल्फा हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहे ना तीन और तीन छह। तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा, देन बी होगा, देन ए होगा, क्या क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हमें पता है और हमें अगर कैलकुलेशन आता है अल्फा हाइड्रोजन का बच्चों, तो याद रखना हमें जरूर 100% स्टेबिलिटी समझ में आएगी कि कौन सा अल्किन कम स्टेबल है और कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल है। बच्चों क्लियर है, अब बताओ क्या सीखा आपने, क्या सीखने को मिला। आगे बढ़ते अभी, आप किसी को कोई डाउट होगा सर एक काम करो ना, सर ये वाला एग्जांपल है, अब आप मुझे बताना कौन ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3, इधर हाइड्रोजन होगा वो पता है हमें, बहुत अच्छी बात है सर।
अब दोनों में आप बताओ सबके सब। देखो आप, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, मस्त क्वेश्चन है एकदम। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ, ए और बी। अल्फा हाइड्रोजन चेक करना, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, सबके सब बताओ, बोलो। अब ये वाला क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता ना फिर। और ये एग्जाम्पल कई किसी बुक से नहीं, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, बहुत सोच समझ के मैंने भी एक ये बनाए थोड़े से, क्योंकि इससे आपका सोचने का नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जीओसी कभी भी एनसीईआरटी से नहीं आती, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। देखना सर, इधर भी चार अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी कितने, दो और दो कितने, चार अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन आता है सर दोनों में से स्टेबल कौन है, याद रखना साइक्लिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा स्टेबल होगा बच्चों, ऑलवेज साइक्लिक वाला। अच्छे से यार देखो ना, एक प्लेन में होगा, एक सब कुछ, सब कुछ अच्छे से लोकलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से फैलेंगे सब जगह। ऐसा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन याद रखना अभी फिलहाल साइक्लिक वाला असाइक्लिक से, साइक्लिक वाला असाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल होगा। क्या सबको समझ में आया, मैसेज करो अभी जल्दी बताओ, सारे डाउट्स क्लियर अभी। अब हो रहा है सारे डाउट क्लियर, बोलो, मैसेज कर दो मुझे एक बार। अब एक और क्वेश्चन आता है, इससे खतरनाक क्वेश्चन तो दूसरा है, ये तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, वेरी गुड, ये तो कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन ये आता है सर, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, एक सी एच थ्री इधर, दूसरा सी एच थ्री इधर, देखो ये हाइड्रोजन इधर, बहुत ध्यान से सुनना सबके सब, ठीक है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन इधर, दूसरा सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री, ध्यान देना अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको भी, यच और यच। अब मुझे बताओ, अब बोलो, अब जरा बोलो मुझे, दोनों में से सी एच थ्री, देखो अगर दो ग्रुप में, देखो सी ट्रांस के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, फिलहाल काम चलाओ बातें में बता रहा हूँ, फिलहाल काम चलाओ बातें बता रहा हूँ, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड को हो तो इसे बोलते हैं ट्रांस, सिंपल इसमें बता दिया मैंने। और दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड को हो तो इसे बोलते हैं सीस। क्या सीस और ट्रांस समझ में आए सबको, मैसेज करो, क्या ट्रांस और सीस समझ में आए सबको। अल्किन के दो फॉर्म होते हैं, अल्किन या तो सीस होता है या तो ट्रांस होता है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे तो सीस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो ट्रांस। अब काम की बात सुनो, आप खुद से बताना बच्चों, कौन सा स्टेबल होगा रे ए और बी में से, ट्रांस और सीस में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो आपका मैं आंसर बता रहा हूं, सुनो, हाँ ट्रांस स्टेबल होगा। आपने कैसे पता लगाया सर, देखो ये बड़ा ग्रुप है ना थोड़ा सा, ये भी बड़ा ग्रुप है, ये बड़े बड़े ग्रुप है दो, अगर ये दो ग्रुप एक दूसरे के साइड को रहे ना बच्चों, तो इनमें रिपल्शन बढ़ेगा, इनमें इनमें गर्दी बढ़ेंगी, गर्दी रिपल्शन, या उसको बोलते हैं स्टेरिक, स्टेरिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन, सिंपल इसमें बच्चों स्टेरिक रिपल्शन का मतलब होता है कि, देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो ट्रांस है, पहले तो बता दूं कि ट्रांस अल्किन ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस से, पहले तो ये याद रख लो। अब क्यों, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है ना बच्चों। देखो मान लो मेरे पास ये वाली चीज है CH3, H H H, खोल के रख दिया इसको, थोड़ा खोल के रख दिया, ठीक है ना, खोल के रख दिया CH CH और CH। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा सा ग्रुप है, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इनमें रिपल्शन होगा ना यार, थोड़ा सोच के देखो यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में इनमें रिपल्शन होगा, इन दोनों ग्रुप में होगा रिपल्शन, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपल्शन होगा बच्चों, और इसी रिपल्शन को नाम दिया गया स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक का मतलब समझ में आया सबको, दो बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में, इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप्स के बीच में अगर रिपल्शन हो तो उसे बोला जाता है स्टेरिक रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से आपका जो सीस फॉर्म है वो अनस्टेबल है, सीस फॉर्म आपका अनस्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। बच्चों मजा आया सबको, बताओ यस और नो, क्लियर है सबको, समझ में आया सबको मैंने क्या बताया, कि अल्किन में याद रखना कोई सीस फॉर्म है। देखो एक एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब थोड़ा आपसे बताना, फ्लोरीन है और फ्लोरीन है, डबल बॉन्ड है। अब थोड़ा बताओ मुझे, अब बताओ ए और बी में से
देखो, अब मैंने बस कंसेप्ट तो आपको ये सिखाया मैंने, अब आप कैसे आपका दिमाग यूज करते हो बताओ, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ। क्या रीजन है, क्या रीजन है? एक बात सुनो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से बीच में आ गई? भाई मैं रिपल्शन की बातें कर रहा हूं और आपने कहां पे चले गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यार क्लोरीन देखो, यार यहां पे सुनना, देखो हमेशा याद रखना, आप जब बात करते हो तो बहुत सोच के जवाब दिया करो, ठीक है ना? गलत है तो मुझे खुशी मिली, ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा भी सोचो। आप, मुझे पता है आपने क्या सोचा, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा, उससे अच्छा मैं आपको एक रेजोनेंस से भी बता देता हूं, जिन्होंने रेजोनेंस पढ़ा उनको पता होगा, सर ये अच्छे से डोनेट करेगा, इसका प्लस एम अच्छा होगा, ये बात तो आपको क्लियर है। थोड़ा और अच्छे से बता दूं मैं, सर फ्लोरीन छोटे होते हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन, और बच्चों क्लोरीन बड़े होते हैं, इस तरह से। आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आप खुद ब खुद बता दो। अरे इतना तो नहीं, ये तो छोड़ो, इनके ऊपर लोन पेयर होती है, इनके ऊपर तो लोन पेयर बहुत पास, ये देखो पूरे पूरे घुस गए एक दूसरे में, तो ये वाला जो क्लोरीन का होगा ना, ये अनस्टेबल होगा, समझ में आया? अभी क्लोरीन वाला अनस्टेबल होगा, लेकिन फ्लोरीन वाला थोड़ा सा उससे क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन में किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन में किसी को कोई डाउट? सिंपल है एकदम, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताया करो, ठीक है ना, मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ आप तुम बताना, एग्जाम्पल दो अभी, थोड़ा सा एग्जाम में आने लायक एग्जाम्पल। देखो CH3, चलो मैं बोर्ड को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा बोर्ड को मैं चेंज कर लू। कहाँ पे है? पहले बताओ सबको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोलो एवरीवन, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? आप कहानी सुनो, आप कहानी सुनो, कहानी मजेदार है। CH3, C डबल बॉन्ड, CH3, ये CH3 आसान लग रहा होगा अभी, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता, लेकिन आप समझदार हो, आपने अच्छे से करो, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये ए एग्जाम्पल आपका, ये बी एग्जाम्पल, और सी एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर, लिख दूं नीचे CH3, CH3 डबल बॉन्ड, CH3, CH3, बोलो ए बी सी में से सबके सब बताओ। अल्फा हाइड्रोजन बताओ पहले वाले के पास कितने, बताओ सबके से, पहले वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों? नाइन अल्फा हाइड्रोजन, अच्छी बात है। सी वाले के पास 12 अल्फा हाइड्रोजन, और बी वाले के पास कितने बताओ सबके सब? अब ये वाला क्वेश्चन सर, ESP2 के आगे वाला, ऐसे लिख के कैसे भी देने दो, आपको याद रखना इन वाले को, सर ये दो अल्फा हाइड्रोजन, ये दो अल्फा, तो टोटल हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सी होगा, उसके बाद ए और उसके बाद बी। याद रखना हमेशा, मैंने स्ट्रक्चर को कैसे भी बनाने दो, आप तो समझदार हो, आपने तो पढ़ाई सही ढंग से। उसके बाद सीस फॉर्म जो होता है ना, ऑलवेज क्या, सॉरी ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है बोलो, ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है, किससे बोलो, किससे? सीस से। कभी एक क्वेश्चन आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बच्चों एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सर इसका क्या मतलब है? देखो बहुत काम की चीज बढ़ा रहा हूं मैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नीट के एग्जाम में बहुत सारे, मतलब जो भी आपके एग्जाम में, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको भी लगने लगेगा कि नहीं सर सच में क्वेश्चन आने लायक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब समझो बच्चों, मान लो मेरे पास कोई अल्किन है, डबल बॉन्ड है,
अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन के एडिशन कर दूं, तो थोड़ा सोचो, एक एक कॉमन सी बात है, अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, बस थोड़ा बता रहा हूं मैं बच्चों। मान लो यहां पे डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और यहां पे एक हाइड्रोजन चिपक गया इस तरह से, दूसरा इस तरह से, समझ में आया सबको? मैंने दो हाइड्रोजनों को यहाँ पे अटैच कर दिया और डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अभी फिलहाल इतना तो समझ में आया सबको, तो याद रखना इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होती है ना, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और उसे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इस रिएक्शन के लिए, ध्यान देना, जब किसी भी रिएक्शन में हम हाइड्रोजन की एडिशन करते, समझना अच्छे से, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन के हम एडिशन करते, तो जो भी एनर्जी हीट रिलीज होगी या जो भी एनर्जी हीट देनी पड़ेगी दोनों में से एक, उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, लेकिन क्या आपको समझ में आया? अगर किसी अल्किन के अंदर हमें हाइड्रोजन बाहर से ऐड करना होता है, तो जो हीट, जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, उस एनर्जी को मैंने नाम दिया हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बच्चों सभी को अच्छे से हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कंसेप्ट क्लियर है? बताओ। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ बच्चों लिख लेना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली का मतलब क्या बताता हूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इसका क्या मतलब है सर? स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, अगर कोई अल्किन ज्यादा स्टेबल है, सुनना अच्छे से, इनवर्स का मतलब समझो भाई, इनवर्स का मतलब समझो, कोई अल्किन बहुत ज्यादा स्टेबल है, अगर अल्किन मोर स्टेबल है, तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा उसका? उस अल्किन का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा बच्चों? कम होगा। समझ में आया सबको? यानी कि अपोजिट चीज है। देखो अगर मैं बता दूं कि कोई अल्किन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो याद रखना स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अब आपको मजा आएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, देखना मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, यहां से आगे ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा भी बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी, ठीक है ना? मान लो मेरे पास कोई सीस अल्किन है और कोई ट्रांस अल्किन है, अब दोनों में से बताओ स्टेबल कौन है? सबसे पहले तो स्टेबल कौन है बताओ, सब स्टेबल कौन है? तो आप बोलोगे ए और बी में से, आप बोलोगे सर बी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कौन सा किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर अगर ये स्टेबल है ना, तो इसका हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगा और ए का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा, ऑर्डर स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट। क्या सबको ऑर्डर समझ में आए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? मैसेज करो हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं अगर आपको स्टेबिलिटी समझ में आई, तो स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सुनना, एक और एग्जाम्पल सुनना, देखना बच्चों ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने है कुछ इस तरह से। दूसरा बोलो ए और बी में से स्टेबल कौन है बताओ, जल्दी बताओ, स्टेबल बताओ ए और बी में से। क्यों ए सर? स्टेबिलिटी अगर देखे तो ये कॉन्जुगेटेड है, दिस इज योर कॉन्जुगेटेड एंड दिस इज योर नॉन कॉन्जुगेटेड। तो आप सभी को पता है सर ए जो है ना, ए आपका ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, बी से। अरे मजा आया सबको, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर बचाए, तो आप बोलोगे सर अपोजिट, बी ज्यादा, बी में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। क्या सभी को? मैं कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं कर रहा बिल्कुल भी, आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। बोलो बच्चों क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना। अरे यस और नो। सबको समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। देखो मैं बहुत, मैं हजारों एग्जाम्पल ले सकता हूँ, क्या बोलूँ तुम्हें, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं मेरे खुद के मन से एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जनरली बहुत कम मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लेकिन हाँ जो भी लेता हूँ परफेक्ट लेता हूँ, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलो इन तीनों में बताओ अभी जरा,
इन तीनों में बताओ, जरा बता तो दो। अब आएगा मजा सर जी, क्वेश्चन कहाँ छुपा के रखा था आपने, इधर CH3 ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ थोड़ा, क्योंकि अच्छे से अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इधर एक CH3 ग्रुप है, जरा बताओ तो मुझे, तीनों में से ध्यान सुनना, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबके सब बताओ, सबसे कम स्टेबल कौन है वो बताओ। रुक जाओ, मुझे मुझे पहले ये करने दो, ABC लिखने दो, ए बी। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, नीट में आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ क्वेश्चन आई थिंक इस टाइप का। बोलो बोलो, सबसे कम स्टेबल कौन है, एकदम तुच्छा कम स्टेबल कौन है। तो आप बोलोगे सर बी इज नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड, सर ये भी कॉन्जुगेटेड है और ये भी आपका कॉन्जुगेटेड है, वाह मजा आ गया, सबको अभी समझ में आ रहा है सर। तो अगर ये नॉन कॉन्जुगेटेड है तो सबसे कम स्टेबल होगा, बहुत अच्छी बात है, और इससे ज्यादा कौन होगा फिर। अब दोनों भी कॉन्जुगेटेड है बच्चों, ये भी कॉन्जुगेटेड, ये भी कॉन्जुगेटेड। अब बताओ ए और सी में से अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, बताओ सबके सब अल्फा हाइड्रोजन कितने, बोलो बोलो जल्दी। हाँ देखो वेरी गुड, देखो यहाँ पे सर दो और दो कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, इधर चार अल्फा हाइड्रोजन है, इधर कितने देखो, तीन चार पांच छह सात, अरे सब कुछ काउंट करना है सर, ये मत छोड़ देना, ये जीरो कार्बन या अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो कितने तीन और दो पांच और दो सात, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए बच्चों, इस केस में आपके अल्फा हाइड्रोजन आ गए बच्चों सात अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर पूछू स्टेबिलिटी का, तो आप बोलोगे सबसे कम स्टेबल बी है, उससे ज्यादा ए है और उससे ज्यादा सी है। सबको अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया तो बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा सर, बी ए सी सी। मजा आया सबको, बोलो मैसेज करके ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, सबके सब बताओ यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ याद रखना, इसके बाद हीट ऑफ कंबशन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अब सबके सब एक बार रिज्वाइन कर लो, मैं हम अल्किन को मैं खत्म ही करने वाला हूँ, अल्किन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना आप सबके लिए, मतलब खत्म ही नहीं की बेसिक पार्ट। सबके सब अभी रिज्वाइन कर लो बच्चों, ठीक है ना।